ईशा मालविया से अभिषेक ने अब खुद कह दिया, अगर तुम्हारा और समाज का कुछ चल रहा है तो तुम उसे एक्सेप्ट कर लो। जी हाँ, सभी घर वाले ईशा को ही समझाते हुए नजर आए कि तुम सच एक्सेप्ट कर लो। वेल दोस्तों, क्या है बुरी खबर, चलिए हम आपको बताते हैं टैली न्यूज़ की इस वीडियो में। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना आप ना भूलें। वेल दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता दें कि बिग बॉस के घर में हो गई है एक वाई कार्ड की एंट्री, जिनका नाम है समाज जुएल। जी हाँ, इनकी एंट्री के साथ हो चुके हैं काफ़ी सारे धमाके अभिषेक और ईशा की ज़िंदगी में। जहाँ एक तरफ अभिषेक रोते हुए नजर आए और ईशा को ये ऑप्शन मिला कि वो अपने साथ दिल रूम में किसको रखना चाहती हैं, समाज या अभिषेक को, जिसमें से ईशा ने अभिषेक को ही चुना। जिसके बाद समाज काफ़ी अपसेट भी नजर आए। वो घर के अंदर आकर भी कई बार पूछे कि ईशा, क्या मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, जिस पर ईशा ने साफ साफ इनकार कर दिया। लेकिन अब इसके बाद और भी क्लिप्स आई हैं सामने, जिसमें अभिषेक खुद ही ईशा से बोलते हैं तुम सच एक्सेप्ट कर लो। जी हाँ सिर्फ अभिषेक नहीं, बाकी के सभी घर वाले भी ईशा से ये कहते हैं, क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है, अगर है तो एक्सेप्ट कर लो। जी हाँ, अंकिता, मुनव्वर, अनुराग, ये सब कहते हुए नजर आते हैं ईशा से। और हम आपको ये भी बता दें कि अभिषेक ये भी कहते हैं कि वो बहुत बड़ी झूठी है, और मुनव्वर अभिषेक से ये कहते हैं, तूने देखा कि तू बेटर डिजर्व करता है। और एंड में कुछ ये भी हुआ है कि ईशा मालविया समाज से बात करती हुई नजर आई, और वहाँ पर उन्होंने कहा, ऑलरेडी मेरी लाइफ में बहुत भसर मच चुकी है, अब प्लीज़ ये सब मत कर। वेल दोस्तों, एंड में तो ईशा कर लेती हैं एक्सेप्ट कि हाँ, सच में है वो इनका बॉयफ्रेंड, यानी कि समाज है इनका बॉयफ्रेंड, लेकिन कर रही हैं इतने सारा झोलझाल। बोल, आपको क्या कहना है, ईशा अभी क्यों कह रही हैं सबसे झूठ, क्या वो सच में डर गई हैं या है इनका कुछ और गेम प्लान? बोल दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे हमें कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए।